हेलो गाइज, माई सेल्फ प्रीतेश राजपूत, बीएमएस 2021 बैच और स्टूडेंट की डिमांड पर अब हम लाए हैं टॉप 10 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो आपको सीक्वेंस वाइज बताए जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो अच्छे कॉलेजों को प्रेफर कर सकें। क्योंकि यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं जहां पर हॉस्पिटल के नाम पर फ्रॉड किया जाता है बच्चों के साथ में, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन देख करके और कॉलेज को फिल कर देते हैं। तो ऐसा ना करें, आपको इस्टेब्लिश ईयर भी बताया जाएगा और कॉलेज का फीस कितना है, ये सब पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए गाइज, और यदि आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं, हमारे पास डाटा है तो आपको डाटा के हिसाब से आपको जो है बता देते हैं कौन से कॉलेजों को किस सीक्वेंस पर रखना है। जैसे हम टॉप 10 नंबर पे किस कॉलेज को रख सकते हैं, 10 नंबर पे हमारा आरजीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये लखनऊ का कॉलेज है और ये कॉलेज 2021 में एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब कह सकते हैं गाइज कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन लखनऊ एरिया का कॉलेज है तो डिमांडिंग तो होगा ही। और यहाँ का फीस 2,04,600 है और सिक्योरिटी अमाउंट 50K जो है यहाँ का लगता है। तो ये इस कॉलेज का डिटेल है, आप चाहें तो इस कॉलेज को टॉप 10 पर रख सकते हैं। इसके बाद आता है IMS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये भी लखनऊ में सिचुएटेड है। और अगर इसकी फीस की बात करें तो इसका फीस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 2.5 लाख इतना पर ईयर के हिसाब से चला जाता है। ये कॉलेज थोड़ा सा पुराना कॉलेज है, ये 2016 का एस्टेब्लिशमेंट है इसका, तो इसको बिल्कुल आप टॉप 9 में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर इसके बाद हाँ, इस कॉलेज में जो IMS कॉलेज था, इस कॉलेज में एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि इस कॉलेज में जो फ़ी वगैरह होगा वो आपको वन टाइम में लिया जाएगा, फर्स्ट ईयर का फ़ी आपको वन टाइम में पे करना होगा। जैसे आप एडमिशन लेंगे उस टाइम पर आपको वन ईयर का फ़ी पेमेंट करना होगा। फिर इसके बाद आपका टॉप एट में देखें तो आपका फ्यूचर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो आपका बरेली में है, फ्यूचर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बरेली, इसका जो फी है 2.29, 2,29,000 रुपये है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा कॉलेज है बरेली का, आप टॉप 8 पर इसको रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और क्योंकि इसका फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.29 समथिंग इसका फ़ी है। और इसके बाद टॉप 7 में रख सकते हैं संतन पाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर मिर्ज़ापुर, इसको ज़रूर आप रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ का जो हॉस्पिटल है ये काफ़ी रनिंग में है। टॉप 7 में गाइज हम संतन पाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज को रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है। कॉलेज को हम इसलिए इस लिस्ट में लाए हैं क्योंकि इसका हॉस्पिटल मैं चीज हमने देखा है, इसमें हॉस्पिटल इसका इतना अच्छा है, समथिंग 100 से 200 तक पेशेंट इसमें फ्लो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि गर्ल्स के लिए नाइट के लिए ये सेफ नहीं है, बिकॉज ये ग्रामीण एरिया है तो। लेकिन हाँ, लड़कों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आप संतन पाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। चलिए अब अगला कॉलेज टॉप 6 में आप रख सकते हैं श्री कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी, बहुत अच्छा कॉलेज है, नाम चलता है, इसका कट ऑफ भी अच्छा जाएगा, समथिंग 250 इसका कट ऑफ चला जाएगा। और इसमें एक थोड़ा सा इशू है, यहाँ का फीस 2,60,000 रुपये है, यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, यहाँ का हॉस्टल का और कॉलेज का दोनों का 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बसेस वगैरह आपको लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। बाकी आप टॉप 6 में ज़रूर इसको ऐड कर सकते हैं यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो कॉलेज अच्छा है। इसके बाद हम देखें तो टॉप 5 में भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, और ये जो कॉलेज है गजरौला में है, दिल्ली NCR रीजन में आता है, इसलिए हमने इस कॉलेज को इसमें रखा हुआ है। और यहाँ का जो फ़ी है 2,49,000, रिसेंटली इसका फीस इंक्रीज हुआ है, इससे पहले 2,04,600 लगता था, लेकिन अभी रिसेंटली इंक्रीज हुआ है 2,49,000 पर ईयर के हिसाब से इस कॉलेज का फीस है। और यहाँ का जो हॉस्टल चार्ज है, यहाँ का हॉस्टल यूपी का सबसे मिनिमम चार्ज लेने वाला हॉस्टल है,
क्योंकि यहाँ के हॉस्टल में का चार्ज सब 5,000 से 5,500 रुपये बस इतना ही जाता है पर मंथ, क्योंकि मेरा जो है बीएमएस भी यहीं से 2021 बैच से चल रहा है, तो कॉलेज एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते और बहुत बुरा नहीं कह सकते, कॉलेज एवरेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन फीस इंक्रीज हुआ है तो आप एक बार सोच सकते हैं इसको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है टॉप 4 में अगर हम लें तो दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, यहाँ का फीस जो है 2,60,000 रुपये है और यहाँ का सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको 50 के समथिंग पे करना होता है, रिफंडेबल रहता है, और यहाँ का हॉस्टल आपको समथिंग 1,00,000 में पड़ेगा और यहाँ का रजिस्ट्रेशन 25,000 है, ये यहाँ का है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन इस कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हैं, टॉप 4 में रख सकते हैं, कॉलेज में कोई बुराई नहीं है, अच्छा कॉलेज। टॉप 3 की बात करें, अब तो भाई डायमंड आने वाले हैं, डायमंड गोल्ड, इतने बेस्ट कॉलेज। टॉप 3 में हमारा आएगा श्री रामचंद्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बहुत पुराना कॉलेज है और इस कॉलेज का जो फी है, इस कॉलेज का जो फी हमने मतलब वेबसाइट के द्वारा पता किया है, आप एक बार जरूर कंफर्म कर रहे हैं, यहाँ का फीस 2,60,000 रुपये है, आप एक बार पता कर सकते हैं। कॉलेज बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इस कॉलेज का एक जानकारी हमें आया है, ये 1.5 साल का फी 1 टाइम में पे करवाता है कॉलेज, तो थोड़ा सा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर इस कॉलेज में जा सकते हैं। और इसके बाद नंबर 2 पर आता है प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बहुत काफ़ी पुराना कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में आप एक बार जानकारी जरूर लें। और यहाँ का फी 2,50,000 जो हमको ऑनलाइन डाटा से जो प्राप्त हुआ है, एक बार आप जरूर इस कॉलेज का फी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कॉलेज अच्छा है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं देन इस कॉलेज को आप फिल कर सकते हैं टॉप 2 पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है नंबर 1 जिसका आप लोगों को इंतजार था, वो है गुरु गोरखनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ये 2021 में जरूर इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन आज यूपी का नंबर 1 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, जो जिसका यूनिवर्सिटी भी गोरखपुर है और कॉलेज भी गोरखपुर में ही है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसका कट ऑफ समथिंग ओबीसी कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, समथिंग 400 और जनरल कैटेगरी के लिए 440 समथिंग, इससे नीचे इस कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी आप इसको प्रेफर लिस्ट में 1 नंबर पर रख सकते हैं। यदि आप चैनल के लास्ट तक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, थैंक यू, आप लोगों के लिए मेहनत है।